चलिए, हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर से रिलेटेड। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 रेक्टेंगल से रिलेटेड है। कह रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि रेक्टेंगल के डायगोनल जो होते हैं इक्वल लेंथ में होते हैं, ये प्रॉपर्टी कह रहा है। तो इसे हम लोग प्रूव करके देखेंगे। हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि आपका ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। हमें प्रूव करना है कि इसके डायगोनल यानी कि ए सी जो होगा दूसरे डायगोनल बी डी के इक्वल होगा। चलिए ठीक है, हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, विथ ए सी एंड बी डी एज इट्स डायगोनल। ठीक है, चलिए टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमें कि ये डायगोनल्स जो दिख रहे हैं ए सी और बी डी ये इक्वल हो गए, ए सी बी डी के इक्वल होगा। तो चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हमारे पास क्या दिया है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो जब रेक्टेंगल है तो इसे आप पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ये पैरेललोग्राम भी हो जाएगा। जब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे, है ना जी, अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे ए डी जो होगा यहाँ पर कह सकते हैं कि बी सी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो ये इक्वल होंगे ही। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, दो ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन सा जो हमारी जरूरत को पूरा कर सके। इन ट्रायंगल ए बी सी ये वाला ताकि डायगोनल उसमें दिखे, एंड दूसरा ट्रायंगल बी ए डी ताकि जिसमें दूसरा डायगोनल बी डी दिखे। चलिए यहां पर देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ यहाँ इस ट्रायंगल ए बी सी का साइड बी सी जो है ना, बी सी इक्वल हो जाएगा ए डी के। इस ट्रायंगल ए बी सी का साइड बी सी इस ए डी के इक्वल हो जाएगा। हमने ऊपर दिखा दिया है, प्रूव्ड अबव। चलिए और दूसरा चीज, इसका एंगल बी, ए बी सी ट्रायंगल का एंगल बी है ना, इस ट्रायंगल बी ए डी का एंगल ए है ना जी, 90 होगा, इक्वल होगा 90 होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं, लिख सकते हैं कि इच एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, इसलिए ये 90 90 यानी इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तीसरा चीज क्या हो जाएगा कि इस ट्रेंगल का साइड बी ए, इस ट्रेंगल साइड बी ए, इस ट्रेंगल का साइड बी ए और इसका ए बी दोनों इक्वल होगा। इस ट्रेंगल ए बी सी का साइड बी ए और इसमें ट्रेंगल ए बी सी का ए बी और इसमें का बी ए कॉमन दिख रहा है, एक ही ना है साइड वो कॉमन है, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ए डी के। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएगा, साइड फिर एंगल लिए हैं और फिर साइड लिए है ना जी, साइड एंगल साइड ये लिए है ना जी, फिर साइड यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंस है। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ से डायगोनल नहीं इक्वल हो जाएगा, इसका साइड ए सी इसका बी डी के इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल से, सीपीसीटी से। ये हमने यहाँ पर इसे प्रूव करके दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 जो पिछली प्रॉपर्टी का कन्वर्स है। क्या कह रहा है कि इफ द टू डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल इट इज अ रेक्टेंगल। देखिए उसी का अपोजिट है, उसमें क्या था, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं। कह रहा है कि डायगोनल इक्वल है किसी पैरेललोग्राम के तो वो रेक्टेंगल होगा, ये हमें प्रूव करके दिखाना। चलिए मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, ए बी सी डी, ये आपके पास पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल इक्वल दिए हुए हैं, ए सी जो है बी डी के इक्वल दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम सच डैट
एसी इक्वल टू में बीडी, डायगोनल इक्वल है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि यहां पर एबीसीडी जो है रेक्टेंगल है, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, ये हमें यहां पर प्रूव करके दिखाना है। चलिए तो इसका प्रूफ हम लोग यहां पे देखते हैं। हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीएडी, एबीसी और ये बीएडी को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए देखिए ना क्या क्या चाहिए। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होगा, है ना जी, अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा। ये डायगोनल इक्वल दिया ही है इसमें और ये कॉमन है। चलिए तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ बी सी जो होगा ना ए डी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं क्यों, तो लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। दूसरा चीज क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास डायगोनल दिया है कि इसका डायगोनल ए सी जो है ना इसके डायगोनल बी डी के इक्वल है, ये गिवन है। तीसरी बात आती है इस ट्रायंगल का ए बी साइड इसके बी ए, ये कॉमन दिख रहा है दोनों ट्रायंगल में है, तो यहां से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ए डी के साइड 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 कॉन्ग्रुएंस से, कॉन्ग्रुएंस से। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहां से आप लिख सकते हैं कि इस ट्रायंगल ए बी सी का एंगल बी, इस ट्रायंगल बी ए डी का एंगल ए इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। वी नो दैट द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट एंगल दिख रहे हैं, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री नहीं हो जाएगा, एंगल ए और बी को हटा के भी एंगल ए ही लिख देते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, ऊपर दिखाया हमने प्रूव्ड अबव। ऊपर हमने क्या प्रूव किया है कि एंगल बी जो है एंगल ए के इक्वल है। चलिए तो टू एंगल ए इक्वल टू में 180 डिग्री, ये टू जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर 180 डिग्री बाई में टू कट के 90 डिग्री आ गया। तो अगर कोई पैरेललोग्राम का एक एंगल राइट होता है तो वो आपका क्या बन जाता है, वो आपका क्या हो जाता है जी, रेक्टेंगल हो जाता है कि नहीं। दस हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम वन ऑफ हुज एंगल इज 90 डिग्री, है ना। पैरेललोग्राम ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो हेंस वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा नहीं, हेंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। हमने यही प्रूव करना था, हमने प्रूव करके दिखा दिया, ये आपका यहां से ये प्रूव्ड हो गया, ये भी प्रॉपर्टी, समझ गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक काम करते हैं, आज की क्लास में यही दो प्रॉपर्टी रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में भी आगे दो प्रॉपर्टी देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं, और एक और हमारा फोर्थ चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे, आलोक भारती पब्लिकेशन रविकांत सर, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इससे रिलेटेड भी वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं आलोक भारती पब्लिकेशन की बुक के क्वेश्चंस को पढ़ाता हूँ। वैसे तो आप इस पे इंग्लिश मीडियम वाले के लिए ही है रविकांत सर, RD शर्मा सॉल्यूशन, इसी पे आपको मिलेंगे सारे सॉल्यूशन।